आज की है वृष्टमा। तो एग्जाम इस बार ठीक ठीक सा था, ऐसे नहीं रुपए 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 तो मेरे लिए तो मेरा पेपर हमेशा अच्छा ही होता है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ। बाहर थोड़ी थोड़ी धूप भी लगने लगी है। सुबह सुबह गदर की बैंड ही बजी होती है। कल रात को जो मैं करंट अफेयर देखते देखते सो गई। मैंने सोचा एक दो वीडियोस देखती हूँ करंट अफेयर की, और उनको लगा के मुझे नींद आ गई और मैं सो गई जल्दी। फिर मैंने सोचा था थोड़ा रिवाइज करूँगी, अब देखती हूँ थोड़ा सा भी देख लेती हूँ। गर्मी नहीं है इतनी, रात को मुझे गर्मी तो लगी नहीं, पर नींद बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी नींद आई। मतलब सुबह तक मुझे पता ही नहीं चला जब तक अलार्म नहीं बजा। तो अभी बजने वाले हैं 9, और अब हम तैयार होते हैं फटाफट से। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया मैंने जितना होना था, अब देखते हैं। ब्रेकफास्ट हम बाहर ही करेंगे, तो चलते हैं यहाँ से, चल पड़े रूम से। अभी हमें सेंटर भी ढूंढना है, तो चल पड़े सेंटर की तरफ। सुबह सुबह 9:00 हो गए हैं और बहुत सारे लोग आए होंगे। तैयारियों को तो क्या बोलूँ मैं, ठीक ठीक सी है। मतलब जितनी 817 के लिए थी उतनी ज़्यादा नहीं है, पर बाकी इनका पेपर भी ऐसा आता है कि कंप्यूटर वाला पोर्शन ज़्यादा आएगा और उसमें भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो देख लेंगे अब क्वेश्चन पेपर देख के कैसा होता है। तो हम लोग सेंटर देखते हुए जा रहे हैं गूगल मैप के थ्रू। गूगल मैप जिंदाबाद ये बता रहा है यहाँ से 7 का रास्ता है। इतनी चढ़ाई है यहाँ पे यार, ये चढ़नी पड़ेगी। ऐसा है कि गूगल मैप आपको पहुँचा ही देगा कहीं ना कहीं, पर थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है उसके। दिख रहा है स्कूल बीच में, ये है स्कूल इधर को। तो यहाँ पे गूगल मैप ने धोखा दे दिया था। राहुल 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 कुत्ता आया। तो ये यहाँ पे कोई ग्राउंड सा है, पता नहीं किसका ग्राउंड है। सुबह सुबह धूप बहुत तेज है यार, यहाँ से धूप लग रही है ऊपर। ये रोलू मेला घूमने, अब रोडू, तू रोलू बोल रहा परसों से। ये है यहाँ पे सेब के पेड़ रोडू वालों के, लग रहा था कि मैं सबसे पहले हूँ, पर वहाँ पे कोई ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए अर्ली इन द मॉर्निंग। गूगल मैप की जय हो। मुझे लगा था मैं सबसे पहले हूँ, पर मुझसे पहले भी और लोग आए हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी लगती है कहीं भी जाने का, मुझे जल्दी 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 जल्दी। ये वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा रोडू छात्रा, मैं भी गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ भाई, प्लस 1-2। तो ये यहाँ स्कूल है, बहुत मस्त सा स्कूल है। इधर को तो नीचे को ग्राउंड भी है। तो मेरा रोल नंबर आया है रूम नंबर 20, 2nd फ्लोर। यार सुबह सुबह मेरे को हनी भी आके मेरे बैग पे बैठ गई। हेलो हेलो कुछ मांगते हैं खेलने के लिए, फिर खेलेंगे नीचे वाले ग्राउंड में जाके। यहाँ पे लिखा है कैंटीन, स्कूल के पीछे है, तो हम जा रहे हैं उधर स्कूल के पीछे। और यहाँ पे छाया है स्कूल के साथ, यहाँ पे नई बिल्डिंग भी बन रही है, और कैंटीन अभी खुली नहीं थी, अभी खुल रही है इधर, यहाँ जाके। पापा की कॉल आई है। स्कूल काफ़ी बड़ा है रामपुर के गर्ल्स स्कूल से। तो रामपुर के गर्ल्स स्कूल में तो बिल्डिंग बिल्डिंग ही है, ग्राउंड वगैरह वहाँ है नहीं ज्यादा। तो ऐसे ही तेरे ऑडियंस दिल्ली, नहीं तेरे दिल्ली, बेंगलोर, मैंगलोर, यूपी, गाजियाबाद। यूपी गाजियाबाद रामपुर चौक में अपनी जगह अपनी जगह होती है भाई। तू जा भाई। वो 10:30 हो गए हैं और मैं अब जा रही हूँ एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर। तो आपसे मिलते हैं अब एग्जाम के बाद, देखते हैं कैसा रहता है। एग्जाम खत्म हो गया है, अब मैं वापस जा रही हूँ। तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ये लास्ट टाइम स्कूल देख लेते हैं, और अब मैं जा रही हूँ वापस। तो एग्ज़ाम इस बार ठीक ठीक सा था, ज़्यादा टफ नहीं था,
और अच्छा था एज कम्पेरिजन टू पिछली बार के, काफ़ी अच्छा था। जीके भी ठीक था, कंप्यूटर इस बार ठीक था जैसा क्वेश्चन पेपर था, अच्छा था। मतलब आने का थोड़ा फ़ायदा हो गया कि आके पेपर दे दिया। बाकी जो अब राहुल को कॉल करूँगी, अब राहुल मिलेगा फिर अब वापस शिमला निकलते हैं, फिर देखते हैं अच्छे से कि एग्ज़ाम का क्या है। यार एक क्वेश्चन था उसमें, लोकटक क्या है, वो मैं पिछले कल ही अपने कज़न के साथ डिस्कस कर रही थी कि मैं उसको पूछ रही थी कि लोकटक लेक कहाँ है। तो क्वेश्चन ये आया था कि लोकटक है क्या, उसमें तो लेक ही थी वो, तो वो क्वेश्चन मुझे ऐसा स्ट्राइक हुआ एकदम से कि मैं अपने कज़न से यही डिस्कस कर रही थी। अच्छी बात ये थी कंप्यूटर लैंग्वेजेज इस बार ज़्यादा नहीं पूछी थी, HTML पूछा था, HTML तो ठीक था और रिपीटेड भी थे क्वेश्चंस पिछली बार से। और राहुल तो मुझे मिलेगा सीधा अब टैक्सी स्टैंड, मैं जा रही हूँ केले बस स्टैंड की तरफ। रोडू मेला लगा है, मेले में आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहती है, और मैं रास्ते में जा रही हूँ ओल्ड बस स्टैंड के, मुझे एक फ्रेंड ने हेल्प किया। हम टैक्सी में बैठ गए हैं और शिमला के लिए डायरेक्ट जा रही है ये। तो राहुल भाई तो अभी मिला मुझे, भाई नहीं जाना बाहर, इतनी गर्मी है बाहर, कौन जाए बाहर। शिमला पहुंचना है ठंडे ठंडे एरिया में। ये मेरे फेवरेट टेढ़े बेढ़े है। राहुल तू भी खा रहे एक, चल दोनों मेरे हैं। गर्म ये ठंडी नहीं, गर्म। 2 बजे के बैठे हम, 3 बजने वाले हैं, अभी तक निकले। फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से। दे देना थोड़े से बैठनो, पैसे दे दे यार। बैठनो कहाँ? पैसे कैसे? पैसे नहीं, रुपए 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 छूटे नहीं है। चलो थैंक यू। जूस पीते हैं यार, सुबह से लिक्विड डाइट पे जी रहे हम लोग। क्या ये क्या है लिक्विड डाइट? मतलब लिक्विड डाइट, डाइटिंग करनी पड़ती मोटे हुए। ये देखो यार गन, ब्रिटिशर्स के टाइम की लग रही है ये तो, शॉप में लगी है ये, स्पेशल रखी होगी। हम शायद चलने वाले हैं यहाँ से। वो देखो यार ऊपर एक अकेले में घर है, बिल्कुल एकांत में, यहाँ जाके अली जग पानी है, पानी पानी कहाँ से दिख रही तेरे को? गिरी रिवर, गिरी यहाँ से जाती है। 5:08 हो गए मुझे पता है अभी किस चीज़ की टेंशन हो रही है कि डिनर में क्या बनाएंगे। पुलाव बनाएंगे आज संडे है, हम संडे को पुलाव बनाते हैं। 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से छैला, छैला। अभी गूगल मैप पे चेक किया राहुल ने तो ये सच में गिरी रिवर है, जो छोटा सा दिख रहा है ना ये गिरी रिवर है। गिरी I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a moolah, 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 moolah. I'ma jump top and pop it, swola, 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 swola. तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, 8 बज गए और अभी तक हम ओल्ड बस स्टैंड भी नहीं पहुँचे हैं। ट्रैफिक इतना ज़्यादा लग गया कि क्या कहें, शायद समरिल की बस मिस हो गई होगी। बज के 5 मिनट हो गए हैं और हम अभी पहुंच रहे हैं ओल्ड बस स्टैंड। समरिल की बस से एक मिस होगी हमसे, अब पता नहीं अभी जाती है कोई समरिल को कि नहीं जाती है। अभी ना हम लोग बालूगंज से पैदल चले हैं रूम की तरफ, समरिल पहुंच चुके हैं। हाँ राहुल भाई कैसा लग रहा नाइट वॉक? अच्छी अच्छी। यो फाइनली रात के बज रहे हैं 9:30 और अभी जाके हम पहुँच रहे हैं अपने रूम में। अब रेस्ट करते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो अभी हम डिनर करने लग गए, जैसा मैंने पहले बोला था कि डिनर में आज पुलाव बनेगा, तो ये मैंने नहीं बनाया, पर ये मेरे कज़न ने बनाया है, शेखर ने बनाया है, थैंक यू सो मच शेखर। और दही है, अचार है, बस डिनर करते अब।
तो अभी हमने डिनर कर लिया है और अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर मुझे ठीक लगा, मतलब ज्यादा इजी नहीं था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पिछली बार से ठीक था पेपर। और अच्छा हो गया कि मैंने दे दिया। मम्मी की एक बात मेरे को याद आती है कि राहुल और मधु, मतलब हम दो से, मम्मी ने सिक्स के बाद जब भी पूछा होगा ना कि पेपर कैसा हुआ है, तो हम लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं कि अच्छा ही हुआ है। तो मम्मी ऐसा बोलते हैं कि राहुल और मधु से तो जब तक सिक्स क्लास से ऊपर गए, इनसे कभी ये नहीं सुना कि पेपर खराब हुआ है। इसलिए तो मेरा पेपर हमेशा अच्छा ही होता है, और अच्छा तब होता है जब तक आप आंसर की चेक ना करो। इसलिए मैं तो आंसर की चेक ही नहीं करूंगी, तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है। तो सबसे अच्छी बात थी कि लैंग्वेज के जो है ना क्वेश्चन कम थे, लाइक सी लैंग्वेज वगैरह के क्वेश्चंस नहीं थे, और रिपीटेड भी थे क्वेश्चंस, 817 से और 903 से रिपीटेड थे क्वेश्चंस। उस डिस्कशन से हमें आ गए पांच एक क्वेश्चन, दो तो वो आ गए थे थोड़े कंप्यूटर के, वो पांच क्वेश्चन हमारी डिस्कशन से भी आ गए। और अब डिनर के बाद मैं ये खा रही हूँ, फन फाइन। तो दिन तो काफी ज्यादा लंबा हो गया, इतना कुछ हुआ है रास्ते में, वो तो कभी और बताऊंगी दूसरी स्टोरी में, कि गाड़ी जे वो लेट हो गई और फिर पुलिस वालों ने पकड़ा, और बहुत लंबी स्टोरी हुई, पर एंड में हम यहाँ पहुंच गए, कागज गुम हो गए। हाँ, और भैया के तो बेचारे के गाड़ी के कागज भी गुम हो गए थे। तो बहुत लंबा रास्ता रहा मेरा रोडू से शिमला तक का सफर, पर फाइनली मैं शिमला पहुंच गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बस रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग खत्म कर रही हूँ। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला। ओ ये तो माध्यमिक है, माध्यमिक क्यों होता है? वरिष्ठ माध्यमिक।